स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग Activity 1. Read the article carefully. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who know to help you understand each word and idea in the story. ये आर्टिकल नीचे दिया गया है, जो पेपर में आर्टिकल आता है वो इस टाइप का, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और कोई भी वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए डिक्शनरी, इंटरनेट या आपके क्लासमेट्स को आप पूछ सकते हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढ के लिखना है। आपकी रफ बुक में आप नोट डाउन करते जाइए, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं अंडरलाइन कीजिए और उसके मीनिंग से वो डिक्शनरी में से ढूंढ कर लिखने हैं। एडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013 5:18 PM द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का एक पेपर है, उसके अंदर ये आर्टिकल आया था 2013 February 11 को। हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन बाय डॉक्टर पेरी क्लास। पेरी क्लास है वो जिसने आर्टिकल लिखा था, वो है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन। किस तरीके से एडवर्टाइजिंग है वो हमारे चिल्ड्रन को टारगेट करता है। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जागरूक करूं अपने बच्चे को एडवर्टाइजिंग के बारे में। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो सीखे कि किस तरीके से कुछ लोग हैं वो उनको चीज़ें बेचने के लिए जागरूक करते हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए ये समझना कि कुछ समटाइम्स पीपल, कुछ लोग जो होते हैं हु वॉन्ट योर ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट जीत लेते हैं पर वो हमारे दोस्त नहीं होते कभी। Researchers have long studied the effects of ads on children. Researchers हैं, उन्होंने study किया है कि किस तरीके से ads है वो हमारे बच्चों के ऊपर effect करता है। Studies show that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behaviors. Studies हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो होती है सिगरेट्स की और अल्कोहल की वो हेल्प करती है या पुश करके ले जाती है बच्चों को और यंग लोगों को अनहेल्दी बिहेवियर्स, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो भी अनहेल्दी हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता है। सिगरेट्स और अल्कोहल की जो एडवर्टाइजिंग है वो इस तरीके से खराब व्यवहार की तरफ लेके जाती है बच्चों को। बट इट ऑल्सो सोज दैट It is more important to protect children as advertisers use the internet and social media. लेकिन ये भी बताता है कि किस बहुत ही difficult है बच्चों को protect करना, क्योंकि advertisers है वो internet और social media का ज़्यादा से ज़्यादा use करते हैं। आप देखते हैं ना, social media है उसमें भी TV है, papers है, उसमें भी बहुत सारी एड्स आती है, फिर इंटरनेट है उसमें भी बीच बीच में एड्स आती रहती है जो इफ़ेक्ट करती है। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेज इश्यूज, फूड की जो एडवर्टाइज होती है वो भी बहुत सारी इश्यूज है वो रेज करती है। चिल्ड्रन सी एड्स मोर फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। बच्चे हैं वो एड्स है, खाने की जो एड्स है वो टेलीविज़न में देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, सोशल मीडिया है और मोबाइल से उसमें देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले
एडवर गेम्स ऑनलाइन, जो एडवर गेम्स जो होती है वो भी बहुत सारे बच्चे हैं वो खेलते हैं. दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट. ये गेम्स है वो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर. एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजर्स इसलिए बनाते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को है वो प्रमोट कर सके. एंड वॉट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन, और ये फूड की जो एड्स होती है वो बच्चों को क्या सिखाती है, उससे बच्चे क्या पाते हैं. अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी के अनुसार द टॉप फोर फूड प्रोडक्ट्स आर, जो चार टॉप प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो है फास्ट फूड से सुगर्ड सीरीज, यानी कि जिसके अंदर सुगर हो वो यूज़ की गई हो, वैसे खुराक सारे. सुगरी ड्रिंक्स, जैसे कि ये सुगरी ड्रिंक्स होते हैं पीने की, जो अलग अलग बॉटल्स होती है, कोको कोला, पेप्सी, फ्रूटी, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. एंड कैंडी जो होती है वो बच्चे खाते हैं. ये चार है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है. डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन एंड अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसाइल पैकवर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम. डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और ल्यूसाइल पैकवर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसके डॉक्टर भी है. उन्होंने लुक्ड इन टू चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे टीनेजर्स होते हैं, उनमें ओबेसिटी यानी कि मोटे मोटे जो गप्पू जैसे लगते हैं हम देखते हैं ना बहुत सारे, अनयूजुअल फैटनेस, यानी ओबेसिटी मीन्स अनयूजुअल फैटनेस, जो हमको यूजफुल ना हो सके ऐसी फैटनेस होती है, फैट कहा जाता है उसे, वो उन्होंने देखी. एंड इट्स लिंक्ड टू स्क्रीन टाइम, और कितना टाइम वो लोग स्क्रीन पे बिताते हैं, जैसे कि मोबाइल में बिताते हैं, टीवी पे बिताते हैं, उन दोनों का लिंक उन्होंने देखा, जोड़ के देखा इन दोनों को. इन एक्सपेरिमेंट विथ प्री स्कूलर्स के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव फाउंड दैट इवन ए 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रिफरेंस फॉर ब्रांड, कि 30 सेकंड की एक एडवर्टाइजमेंट होती है नए प्रोडक्ट की, वो भी बच्चों की जो ब्रांड है, पहले वो कहता है कि मुझे ये खाना है, फिर वो कहता है कि ये मुझे खाना है, तो ये प्रिफरेंस चॉइस होती है उसको भी वो बदल सकता है, सिर्फ 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट होती है उससे. ओपन पेज नंबर 25. इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 year olds टू प्रोपोर्शन ऑफ आइडेंटिकल फूड्स. एक स्टडी के अनुसार डॉक्टर रॉबिन्सन ने ब्रांडिंग के इफेक्ट्स के बारे में भी देखा. बाय गिविंग 3 to 5 year olds टू प्रोपोर्शन ऑफ आइडेंटिकल फूड्स, की दो प्रोपोर्शन है वो अच्छे से अच्छे फूड्स उनको दिए गए. वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड्स रैपर, और उन्होंने मैकडोनल्ड्स के रैपर के सामने देखा. द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द रैपर. बच्चों को पॉइंट आउट कर वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट, उनको पॉइंट आउट करने के लिए कहा गया कि कौन सा फूड है वो अच्छा टेस्ट में अच्छा लगा. एंड डॉक्टर रॉबिन्सन ने कहा कि नो मैटर व्हाट फूड वी लेट डाउन ऑन द रैपर, में कौन सा भी फूड हो, ओवरवेलिंगली फॉर हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस इन अ कप, किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रैपर एज टेस्टिंग बेटर. यानी कि उनको कितना भी अच्छा फूड दिया जाए, लेकिन उनको हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस इन अ कप में दिया जाए, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है वो मैकडोनल्ड्स का रैपर ही टेस्ट में बेटर लगता है. अप टू द एज ऑफ 7 or 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग. बच्चे हैं 7 अप टू द एज ऑफ 7 और 8
के एज तक पहुंचते हैं तब तक रिसर्चर्स बोलते हैं कि बच्चे हैं वो एडवर्टाइजर्स का जो नेचर है, क्या कहना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग वाले, वो ही नहीं समझ पाते. दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यू देम, कि एडवर्टाइजर्स है वो उनको परस्यू करना चाहते. परस्यू यानी किसी इंसान को कुछ भी मानने के लिए मजबूर कर देना. वो एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी होती है कि वो इफेक्ट कर जाती है बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं ये समझ नहीं पाते. ओके, यूनिट 3 एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग, यहाँ तक हम एक्सप्लेन करते हैं आज. उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. आपको वर्ड जो समझ में नहीं आते उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको नोट डाउन कर देना है अपनी रफ नोटबुक में. ओके.